हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर के ऊपर। एचएएल के शेयर में आज के सेशन में एक बहुत ही शार्प गैप डाउन ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिला, और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बाद ही हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया था। एक न्यूज आया था ट्रेडिंग सेशन के बाद, जब मार्केट क्लोज हो गया था उसके बाद न्यूज आया था, जो इस स्टॉक में, इस पर्टिकुलर कंपनी में गवर्नमेंट जो है वो अपना 5% स्टेक सेल कर रहा है, बट जो फ्लोर प्राइस था वो आपको डिस्काउंटेड रेट था 2450 का, और इसी वजह से जो है आज आपको यहाँ पे एक शार्प गैप डाउन ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिला। तो चलिए अब बात करते हैं क्या लंबे समय के लिए अभी इस स्टॉक में हम लोगों को निवेश करना चाहिए। तो अगर मंथली चार्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है हम लोग इस मार्च मंथ के लास्ट वीक जो है अब ओनली रिमेनिंग है, और इस वीक का ओनली वन ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है। मंथली चार्ट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इस स्टॉक में जो है काफ़ी टाइम से एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, क्योंकि स्टॉक यहां से जो मूवमेंट स्टार्ट किया है उसके बाद स्टॉक में शार्प वन साइडेड रैली हम लोगों को देखने को मिला है। अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर कैंडल का लो है 1212 का, तो ऑलमोस्ट 1200 से जो रैली स्टार्ट हुआ है तो स्टॉक ने यहाँ पे आपको हाई लगाया है 2914 का, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है आपको 1700 पॉइंट का नॉन स्टॉप रैली हुआ है और यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो मंथली चार्ट पे एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, और यहाँ पे जो है हम लोगों को एक वीकनेस का साइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है प्रीवियस 5 मंथ से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और इस मंथ के कैंडल को अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर के लेवल से कंप्लीट एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, और अभी करेंटली बात करेंगे तो इस मंथ के लोएस्ट साइड पे ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे स्टॉक नीचे की साइड में आपको ब्रेकडाउन देके क्लोज दे देता है 2400 के लेवल के नीचे, अगर मंथली चार्ट पे स्टॉक क्लोज हो जाता है तो फिर इस स्टॉक में आपको फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है 2000 की तरफ। पहला जो टारगेट होगा 2000, और 2000 के नीचे अगर फिसलता है तो फिर आपको यहाँ पे 1500-1600 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन करेंटली अगर बात करेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक जो है एक नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा वीक जरूर दिख रहा है, तो बेटर है इस स्टॉक में अभी आपको लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको वेट करना चाहिए। अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में बात करेंगे, डेली चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे, तो डेली चार्ट के ऊपर भी क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है जो स्टॉक जो है आपको एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे कि अभी रिसेंटली स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई पे जरूर क्लोज दिया था, बट अगेन उसी लेवल से हम लोगों को स्लो एंड स्टडी इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो नीचे की साइड अगर ये 2400 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है, और डेली चार्ट पे भी बात करेंगे तो डेली चार्ट पे जो आपको चैनल पैटर्न है वो 2250 to 2800 का लेवल है, जिस रेंज में जो है स्टॉक काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए आपको ना ही बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि मंथली टाइम फ्रेम, और ना ही आपको डेली चार्ट पे कहीं पे भी एक बाय साइड का सिग्नल दिख रहा है, तो बेटर है इस स्टॉक को अभी वेट करना चाहिए, यहाँ पे इमीडिएटली आपको जंप नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।